बिजनेस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। डिंडोरी जिले के शाहपुरा नगर में संजीवनी सामाजिक जल कल्याण संस्था के तत्वाधान में संजीवनी कपड़ा बैंक का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि पेंशनर्स भवन शाहपुरा में सेवानिवृत्त शिक्षक पंडित रोहिणी शरण पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र गुप्ता के कर कमलों से पेंशनर्स भवन के संस्थापक स्वर्गीय श्री गुलाब चंद्र अग्रवाल के छाया चित्र में माल्यार्पण करते हुए संजीवनी कपड़ा बैंक का फीता काट का शुभारंभ किया। लगभग 300 गरीबों को कपड़े बांटे। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश गुप्ता, संदीप सोनी, श्रीराम साहू, पार्षद राजेश चौधरी, संतोष अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, मुकेश साहू, शारदा राय, प्रदीप विश्वकर्मा, विकास गुप्ता सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कर्जे में डूबे गरीब इंसान को सिर्फ कर्जे से मुक्त होने का एक ही रास्ता नजर आता है और वो है आत्महत्या, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ ऐसा ही हादसा आज उज्जैन के झरन कॉलोनी में हुआ, जहां हाथ गाड़ी पर सब्जी बेच अपनी और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला हरि पाटीदार पिता नगजी पाटीदार उम्र 53 वर्ष ने अपने नए घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोज की तरह हरि पाटीदार पिपली नाका चौराहा पर जाता था। आज भी लगभग 6:30 बजे हरि घर पर अपनी पत्नी से बोल कर गया था कि चौराहे तक जा रहा हूं, पर कुछ समय बाद हरि की पत्नी को हरि की लाश पास में बने हरि के नए घर में लटकी हुई मिली, जिसके कारण पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। मौके पर जीवाजीगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली और पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुट गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष उदय सिंह राणा, अनिल नागर, नगर अध्यक्ष गौरव अभय लारले, ऋषि लारले, लखन सारवान, लखन भाई, लखन सिंह चौहान, सुरेंद्र यादव, अंकिता शर्मा, नाना भैया कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शहर ही नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सिंधी समाज के लोग रहते हैं, लाला लोई पर्व धूमधाम और बड़े उत्साह से मनाते हैं। समाज के बच्चे, युवा हो या फिर बुजुर्ग जन, लाल लोई पर्व को जरूर मनाते हैं। साथ ही तरह तरह के व्यंजन बनाकर प्रसाद के रूप में लाल लोई माता के आगे रखकर भोग लगाकर उसे बांटते हैं। भगवान दीन नगर में राजकुमार दलवानी के नेतृत्व में पिछले 30 वर्षों से लाल लोई महापर्व मनाया जा रहा है। ये दिनांक 13 जनवरी रात 10 बजे लाल लोई महापर्व पर श्री राजकुमार दलवानी और रमेश दलवानी, किशोर दलवानी, जय दलवानी, विजय दलवानी, विशाल दलवानी, पंकज मोटवानी, सनी परियानी और महिलाओं ने पूजा अर्चना प्रार्थना कर लाल लोई जलाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।